मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट कोकोनट बॉल या लड्डू इन कोलैबोरेशन विद जिंडल कोको। इन्होंने मुझे यह हैम्पर भेजा है आलमंड चॉकलेट स्प्रेड का। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये लड्डू बनाए हैं मैंने। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंडल कोको आलमंड स्प्रेड आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा या उनको आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप कोकोनट लिया है ग्रेट करके। उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट स्प्रेड। और इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करना है। चॉकलेट में भी स्वीटनेस होती है, चॉकलेट स्प्रेड में तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों इंग्रेडिएंट्स को। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हो हमारे एक लड्डू बनके तैयार है। इसको हम एक प्लेट में नीचे रख देते हैं। वैसे हम सारे बना लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में आप ये लड्डू बन जाते हैं। हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब इसको हम कोट करेंगे ग्रेटेड कोकोनट से। अच्छी तरह से इसको हम कोट कर लेंगे। इसको भी निकाल लेते हैं। सारे हम लड्डू को कोट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुँचे। हमारे सारे लड्डू बन चुके हैं। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट लड्डू बने हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। हमारे चॉकलेट कोकोनट बॉल्स या लड्डू बनके तैयार है। और जिंजल कोको के बहुत सारे वैरायटी के स्प्रेड्स हैं, वो भी चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। ये प्रोडक्ट मस्ट बाय प्रोडक्ट है, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर बाय करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।